अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, हम अक्सर आपको शेख साहब के साथ हाई कोर्ट भी दिखाते हैं और शेख साहब के भी प्यारी प्यारी गुफ्तगू भी सुनाते हैं। तो शेख साहब, कल की बड़ी थड़थली मची हुई है सर। आपने जश्न मनाया? ऑब्वियसली सर, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि पीडीएम का अगर कोई बंदा जीतता है। और सर, बहुत सारी बातें, ये जो जीत है ना सर, हाँ, ये बहुत सारे इशारे दे रही है। अच्छा, और इससे पहले जो हुए इंसिडेंट्स हैं, जैसे डस्का वाला मामला, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। क्या ये मुमकिन है कि बड़े लोगों के इशारों के बगैर ये अगर फैसला आए, हाँ, तो वो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो? जी, इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा, तो ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इशारा समझे कि बात जो है ना, अब थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। तो तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, बस ये वाली बात आप समझ रहे हैं। अच्छा जी, देखें, शेख साहब ने बड़े अच्छे इशारे दिए हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। हम तो वैसे भी आपको पता है वकील हैं, और हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो और आइन की बालादस्ती हो, सारे इदारे अपने अपने जो है दायरे में, सर्कल में काम करें। हम तो यही चाहते हैं ना सर। तो जिस तरह के शेख साहब कह रहे हैं जी कि ये सारी निशानियाँ बता रही हैं, ज़िमनी इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन का डट जाना है, फिर रेफरेंस थोड़ा सा वो आया है, तो फिर ये गिलानी की शिकस्त हो गई है। सर, गिलानी जीत गया है, और आपका हफीज जो है ना, वो फारिग हो गया है। गिलानी जीता है, गिलानी जीता है, और वो IMF का नुमाइंदा है। हाँ सर, बेसिकली जो सबसे बड़ी फतह है ना सर, हाँ, वो ये है कि अगर IMF या बाहर की पावर्स इस मुल्क के अंदर किसी को इस तरह पैराशूट के थ्रू लेके आते हैं, और वो जिस तरह इसने पिछले कई माह में इस मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश किया, इसी तरह रजा बाकर है जो गवर्नर स्टेट बैंक है, ये ऑलरेडी आपके इजिप्ट के अंदर तबाही मचा के आया है। वहाँ पे इन्फ्लेशन चेक करें, और सेम वही फार्मूला ये पाकिस्तान के अंदर लेके गरीब आदमी की रोटी तक महंगी कर दी। आम आदमी यहाँ पर, उसका सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया। सर देखें, आप और मैं, हम यहाँ पर खड़े होकर बातें करते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ वही जो आम आदमी है उसके राइट के लिए ये वीडियोस के अंदर आके बात करेंगे। हमारा सर्वाइवल उस लेवल पे टफ नहीं है जो एक गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करके रात को अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जाता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गया पिछले 2.5 साल में। सर, अगर इसी तरह ही पॉलिसीज चलती रहीं और इन लोगों को मजीद मौका दिया गया, तो हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा तबाही आ सकती है। तो शेख साहब, ये जो कुछ लोग कहते हैं कि जी इन्हें थोड़ा जा और मौका दो ताकि मजलूम न बने, कि मैंने तो जी 5 साल पूरे ही नहीं करन देते। सर आप देखिएगा, इंशाल्लाह हम मुतहमिल हो सकते हैं। सर इसको मैंने सियासी शहीद नहीं बनने देना, इसको इंशाल्लाह ये खुद इस्तीफा दे के जाएगा अल्लाह के फजल से। इसको सर देखें, अगर तो कोई शर्म वाली बात जो हम पहले कहते थे कि इसको शर्म आनी चाहिए कि जो ये मुल्क के आम आदमी के साथ कर रहा है। सर, इमरान नियाजी इस मुल्क के अंदर मुसल्लत किया गया। इमरान नियाजी ने जो इस मुल्क के आम आदमी के साथ जो जुल्म कर छोड़े हैं, महंगाई की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, तनख्वाहें ना बढ़ाने की सूरत में, पेंशन ना बढ़ाने की सूरत में, और बहुत सारी चीज़ें, सर इस बंदे को इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की अवाम ने तो जिस तरह जलील करके निकालना ही निकालना है। ऊपर जो जात बैठी है ना सर, जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसाफ करती है, इंशाल्लाह ये जलील होके निकलेगा, क्योंकि इसने अवाम के साथ किए हुए सारे वादे तोड़े हैं, और जो वादा तोड़ता है वो मुसलमान खिलाने का जी जी। यानी कि ये अपनी करतूतों की वजह से उसने ऐसे काम कर दिए हैं, कभी सच ना बोलना, कौम के साथ झूठ बोलना, और कंटेनर पे जितनी बातें ये करके आया था उसके बिल्कुल उलट करना, हर बात उसके उलट करना, तो ये इसको सज़ा मिल रही है। अभी हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, इमरान ख़ान को हर जो जी होश आदमी है ना, वो समझा रहा है कि अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करो और अपने करो, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द जो फॉरनर है ना, ये जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, ये निके दाबा और ये जनाब नदीम अब्बास, हाँ, और ये जितने भी फॉरनर हैं, ठीक है, तो ये इमरान को सही गाइड नहीं कर रहे और ख़ुद उसको अकल नहीं है। सर, अगर आपके ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ कोई भी फ्रॉड होता है या कोई भी उसके लिए मुश्किल पैदा होती है,
यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल, आपके मुंशी ने किया, आपके एसोसिएट ने किया या किसी ने भी किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। तो अगर इस मुल्क के अंदर कोई भी इशू क्रिएट होता है अवाम के लिए तो इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, ये बात ठीक है। और लेकिन यही गल तो समझ नहीं उन्होंने आँधी ना, यही बात तो समझ नहीं आ रही उनको कि भाई हमने इस मुल्क को इतने जितने वादे किए हैं उसके मुताबिक चलाने की कोशिश करें, कहीं बंदा चले कामयाब हो जाता है, कहीं नाकाम हो जाता है, लेकिन टोटली फेल, 0% फेल। तो ये तो इमरान खान को मैंने कल ही मशवरा दे दिया था कि यार तेरे से अगर नहीं ना चलती ड्राइविंग, गाड़ी नहीं चलती, तूने जरूर इधर उधर ठोकनी है। सर जो नई गाड़ी ठोक रहा है शेख साहब पाकिस्तान की, मैंने अगर नई गाड़ी ली है ना सर, हाँ, तो मैं कभी आपने भी, तो ली भी है ऑब्वियसली, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी अनट्रेंड बंदे को ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाऊंगा। हाँ जी, क्योंकि वो मुझे बड़ी प्यारी है। इसी तरह जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी ये मुल्क बहुत प्यारा होना चाहिए। इस तरह के अनट्रेंड बंदे को अगर वो ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे तो उनका ये मुल्क ख़राब होगा, तबाह होगा। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, वो ये है कि ये नलायक इंसान, कोई भी नलायक स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा फेल होने के पीछे ना बहुत सारी वजूहात तलाश कर रहा होता है। वो कहता है जी कि मुझे तैयारी करने का मौका नहीं मिला, पेपर जो है वो मैंने और तैयार किया था, बीमार हो गया था, वो बहुत सारे बहाने। इसकी हर तकरीर आप देख लें उसके अंदर ये पिछली गवर्नमेंट्स को ब्लेम कर रहा होता है। ये बताए कि इसने आगे कितने कर्जे लिए हैं, ये बताए इसने आगे आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया, इसके पास कुछ भी नहीं है बताने को। पिछली हुकूमत के हवाले से शेख साहब मुझे एक लतीफ़ा सा याद आ रहा है, थोड़ा सा वो ऐसे गंदा सा भी है हल्का सा, ठीक है। वो ये है कि जी एक औरत को ना 3 साल पहले तलाक हो गई, तो 3 साल के बाद उसका बच्चा पैदा हुआ, तो लोगों ने क्या की, कहते हैं मेरे पिछले खामन का कसूर है। इमरान हर बात जो है वो पिछली हुकूमत पे डाल रहा है, भाई खुदा का खौफ कर। तो बिजली उस दिन चली गई है पूरे पाकिस्तान में, तो वो उमर अयूब कहता है ऐ जी पिछली हुकूमत का कसूर है। और भाई तुम्हारा कसूर भी कोई है कि सारा कसूर पिछली हुकूमत ही है। सर हफीज शेख को किसी ने पूछा कि आपको पता है कि मार्केट में इस वक्त क्या रेट चल रहा है, सर फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ हाँ, वो कहते हैं जी 15 रुपए किलो के हिसाब से शायद टमाटर दे, अंदाजा करें सर, तब वो 200 से भी ज्यादा थे, ठीक है सर। और आप ये देखें कि जिस शख्स को अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हार है, और इंशाल्लाह ये इमरान खान भी इसी तरह सोया हुआ है, उसको अवाम के इश्यूज का नहीं पता, ये कभी भी दोबारा इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब अवाम को पता चल गया इसकी। ये सर इमरान खान की एक और बड़ी खूबी मैंने सुनी है कि रात को ये फाइल पे दस्तखत करता है और सुबह कहता है जी मैं तो कीता ही नहीं। सर वो ये क्या चक्कर है सर, और सिचुएशन में साइन कर रहा इस वजह से भूल जाता, कहता जी मैं तो कीता ही नहीं, वो कहते सर जी तुम आप तो कीते सर सेक्रेटरी, उन्होंने कहा सर असल में प्रॉब्लम कोई बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम अवाम को जितना भी बता लें, वैसे अब सर बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, अवेयरनेस आ गई, अब हर बंदे को पता चल चुका हुआ है। हम तो सिर्फ और सिर्फ चूंकि आवाज़ कोई नहीं उठाता, हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हक की आवाज़ उठाएं जी, चाहे हम किसी भी फोरम पे हैं वहाँ पे बात करें, कोई बात करें, आगे चलें, कोई बात करे तो सही। यहाँ पे अवाम को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो किसी जगह पे एहतजाज नहीं कर सकते। आपने देखा वो टीचर्स का जो हाल हुआ है, हमारा वहाँ पे इस्लामाबाद किसान मार गया था ठोकर पे। सर आप ये देखें कि अगर किसी को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो जमहूरियत किस बात की। तो कल सर जी उसकी जो मंजी ठोकी गई है इमरान खान की, आप उस वक्त क्या कैसा फील कर रहे थे? मैंने तो बड़े भंगड़े डाले हैं और मैंने बड़े लोगों को मिठाइयां तकसीम की। सर सुपर एक्साइटेड, सुपर यस। सर देखें ये बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं, हम सादगी में रह के सिर्फ अपील करते हैं कि यार अवाम के लिए कुछ कर दो, अवाम के लिए कुछ कर दो। क्योंकि सर अगर हमने किसी भी शख्स को अब तक बर्दाश्त किया हुआ है तो वो सिर्फ इसी वजह से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि यार उसको मौका तो दो, उसके उसको काम अगर 2.5 साल वो कर गया तो 2.5 साल मजीद। सर हर गुजरता दिन पहले से भी बदतर है। तो मेरा ख्याल है इसको मजीद जो टाइम देना ना, वो ये जो आम लोगों की बात है कि जी इसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, भाई जब वो मुल्क को बर्बाद कर रहा है। अभी शेख साहब ने मिसाल दी है कि नई गाड़ी एक अनाड़ी ड्राइवर को दे दें, चले जी उसने एक दो जगह पे ठोकी है तो मजीद तो बचा लेना जितनी बचा सकते हैं। ये पाकिस्तान का मसला है, ये कोई इमरान खान की कोई जाती गाड़ी तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान की गाड़ी है। तो नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारी ये हल्की फुल्की गपशप जो है ना वो पसंद आई होगी,
और अब हम देखे शेख साहब की साफ सुथरी गाड़ी में जा रहे हैं, पता नहीं शेख साहब किधर मुझे अगवा करके लेके जा रहे हैं जैसे वो मैंने अगवा हुए हैं सर। वो ये वही जगह है जहाँ पर आप मुझे रिकमेंड करके लेके जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा जश्न मनाते हैं यूसुफ रजा गिलानी का और कुछ खाते पीते हैं, ठीक है सर। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।